गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों, भूगोल विषय में हमारी द्वितीय भाग की जो बुक है उसके अध्याय संख्या 24 को अपन ने शुरू किया था पहले, जिसमें अपन ने राजस्थान के खनिज और उद्योगों के बारे में चर्चा शुरू की थी। खनिजों के बारे में और कुछ उद्योगों के बारे में अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक शुरू किया था बच्चों कि राजस्थान में ग्रामीण विकास हेतु प्रमुख योजनाएँ। तो राजस्थान में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ उद्योग जो है अपन ग्रामीण स्तर पे खोल सकते हैं, उसमें पहला उद्योग है प्रमुख डेयरी उद्योग। तो देखते हैं डेयरी उद्योग की राजस्थान में क्या है स्थिति। डेयरी फार्मिंग भारत में छोटे व बड़े दोनों स्तर पर सबसे ज़्यादा विस्तार में फैला हुआ उद्योग है। दुग्ध उत्पादन ने हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर भागीदारी है। यह पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय है जो वातावरण को कभी भी प्रदूषित नहीं करती है। इसे परिवार में कम पूंजी से छोटे स्तर पर भी आसानी से स्थापित किया जा सकता है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए सन 1973 में डेयरी विकास विभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में इसके लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2012 तक 12,631 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं राज्य स्तर पर शीर्ष संस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जयपुर में संबद्ध किया गया। RCDF की स्थापना सन 1973 में की गई थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 में दिसंबर 2012 तक RCDF के से संबंधित सभी दुग्ध संघों ने प्रतिदिन 18.01 लाख किलो दुग्ध संग्रहित किया था। इस संस्था द्वारा पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध करवाया जाता है। डेयरी फेडरेशन द्वारा घी, मक्खन, पनीर, दुग्ध पाउडर, दही, आइसक्रीम आदि मूल्यवर्धित वस्तुओं का जो है उत्पादन भी किया जाता है। दूध और दूध से मावा, पनीर, घी बनाने का कार्य पोकरण, फलोदी, जोधपुर, रानीवाड़ा, बज्जू, लूणकरणसर, सूरतगढ़, अलवर, जयपुर, अजमेर, फालना, भीलवाड़ा, उदयपुर इत्यादि केंद्रों पर किया जाता है। गाँव में दुग्ध संग्रह का कार्य सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी उद्योग के द्वारा गाँव के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। सन 1970 से देश के अन्य राज्यों के साथ राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। प्रश्न बन सकता है बच्चों, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की गई थी 1970 से। इस राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड द्वारा जोटवाड़ा जयपुर में पशु आहार फैक्ट्री स्थापित की गई है, जो पशुओं हेतु उत्तम प्रकार का पशु आहार उपलब्ध कराता है। डेयरी उद्योग राज्य में पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में डेयरी विकास के प्रयास देखना। सन 1970 में राज्य में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। प्रश्न बन सकता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है बच्चों, जिसमें पशुधन संवर्धन व डेयरी विकास के अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए गए। डेयरी विकास को आशातीत गति मिलती है। राजस्थान राज्य दुग्ध निगम ग्रामीण जिला व राज्य स्तर पर पशु संवर्धन तथा दुग्ध उत्पादन के संपूर्ण कार्यक्रम के निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। राजस्थान राज्य दुग्ध सहकारी संघ समन्वय व परस्पर सहयोग का राज्य स्तरीय शीर्ष संगठन है। राजस्थान में डेयरी विकास की भावी योजनाएं देखना, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जिससे कि डेयरी के विकास को बढ़ाया जा सके। गोपालन पहला। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेगिस्तानी प्रदेश में कृषि क्षेत्र की सीमित संभावनाओं के चलते पशुपालन प्रारंभ से ही प्रदेश में जीवन यापन का आधार रहा है। नवीनतम 19वीं पशु गणना 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2012 तक आयोजित की गई थी। वर्ष 2012 की गणना के अनुसार राज्य में कुल पशुधन 577.32 लाख है था।
यहाँ पशु घनत्व 169 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में प्रदेश में प्रति हज़ार जनसंख्या पुरुषों पर 842 हो गई है। 20वीं पशु जनगणना 2017 में आयोजित की जाएगी, जो हो चुकी है। राजस्थान में गोवंश 121.19 लाख 2007 के मुकाबले वर्ष 2012 में 133.24 लाख हो गए, यानी लगातार इसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो एक अच्छी खबर है। राज्य में देखो सर्वाधिक गोवंश कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, उदयपुर और चित्तौड़ में सर्वाधिक, जबकि धौलपुर में न्यूनतम गोवंश आपको मिल जाएंगे। सबसे सर्वाधिक उदयपुर और चित्तौड़ और सबसे न्यूनतम में धौलपुर। लेकिन मरुस्थलीय जिले जो है बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में गोपालन एक प्रमुख व्यवसाय है। आजीविका के अन्य साधनों की कमी, वर्षा काल में चारागाहों की उपलब्धता, पौष्टिक सेवन घास, परंपरागत व्यवसाय का अनुभव, मौसम के अनुसार स्थानांतरण तथा वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी क्षेत्र में गोवंश उत्पादन में सहयोगी तत्व है। भारत की समस्त गायों का 8% भाग राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में गायों की कुछ प्रमुख नस्लें निम्नलिखित प्रकार की। गायों की नस्लों के नाम पूछे और उनकी प्रजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है देखना। पहली है गिर नस्ल की गाय। इस नस्ल की गाय अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़ जिले में पाई जाती है। इसे गुजरात में गिर और राजस्थान में रेंडा तथा अजमेरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय नस्ल की ये गाय दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गिर गाय जो होती है, गिर नस्ल की गाय, वो दूध देने के लिए जानी जाती है। एक और गाय की प्रजाति है थार पारकर। इस नस्ल की गायों का मूल स्थान जैसलमेर का मालानी क्षेत्र है। पूर्णतया शुष्क परिस्थितियों में भी ये उचित मात्रा में दूध देती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालौर में यह नस्ल अधिक देखने को मिलती है। फिर आती है बच्चों नागौरी। इस नस्ल की गायों का मूल स्थान नागौर जिले का सुहालक प्रदेश है। नागौरी जो बैल होते हैं वो दौड़ने में तेज होते हैं, मजबूत होते हैं और भार ज़्यादा वहन कर सकते हैं। इस नस्ल की गाय नागौर, जोधपुर के उत्तरी पूर्वी भाग व नोखा, बीकानेर में प्रमुख रूप से पाई जाती है। फिर है बच्चों राठी। यह लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। यह दूध देने में अग्रणी होने के साथ साथ इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है? गाय की जो राठी नस्ल है बच्चों, उसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। यह नस्ल बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और चूरू के कुछ भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट है कॉकरोच। इन गायों का मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है। ये भार वाहन और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये बाड़मेर, सांचौर और नेहर क्षेत्र व जोधपुर के कुछ क्षेत्रों में पाली जाती है। फिर हरियाणवी। ये भी भार वाहन तथा दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये गाय सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। फिर मालवी। इस नस्ल का मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। यह मुख्यतः भारवाही नस्ल है। राजस्थान के झालावाड़ और बारा, कोटा और चित्तौड़गढ़ इसका प्रमुख क्षेत्र है। फिर है सांचौरी। जालौर जिले के सांचौर और सिरोही तथा उदयपुर जिलों में पाए जाने वाला गोवंश जो है वो सांचौरी का ही है। ये दुग्ध उत्पादन में सामान्य श्रेणी की मानी जाती है। फिर है मेवाती काठी। ये नस्ल हल जोतने और बोझा ढोने के लिए उपयुक्त है। ये अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। फिर कुछ विदेशी नस्ल भी है, जिसमें वर्तमान में अधिक दूध देने वाली नस्लों की जर्सी, होलिस्टीन, रेड डैन इत्यादि गायें भी पाई जाती है। तो ये तो था बच्चों गोवंश। अगली वीडियो में अपन गोवंश के बढ़ाने के प्रयास, संवर्धन या बढ़ोतरी के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।